उत्तरी भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर त्योटसिद्ध में रविवार को चैत्र मास मेला विधिवत रूप से आरंभ हो गया। ये मेला 13 अप्रैल तक चलेगा। डीसी एवं बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास की आयुक्त देवाश्वेता बानिक ने विधिवत पूजा हवन और झंडा रस्म चढ़ाने के बाद मेले का शुभारंभ किया। मंदिर को रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से सजाया गया है। मंदिर परिसर में जगह जगह सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही थर्मल स्कैनिंग का भी प्रावधान रहेगा। बिना मास्क किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मेलों के शुभारंभ अवसर पर मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी बाबा बालकनाथ के दर्शन किए। बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास की आयुक्त देव श्वेता बनिक ने कहा कि कोविड महामारी की गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालु मंदिर में आएं और पूजा अर्चना करें। आज हमारे चैत्र नवरात्रों की शुरुआत जो है हमारे ड्यूटसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में की गई और हमने जो है झंडा रस्म और बाकी की जो हवन और पूजा है उससे विधिवत इस मेले का जो है शुभारंभ हुआ है। आज हमारे साथ जो है इस मंदिर के साथ जो है महंत जी हैं, उनका भी जो है उनकी भी उपस्थिति रही और हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है मेले का शुभारंभ हुआ और काफ़ी तादाद में जो है श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम सभी को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत सुचारू रूप से दर्शन करवा सकें। हम पूरी तैयारियाँ जो हैं हमने की हुई हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना आए कहीं भी। सभी लोगों से जो भी मंदिर से जुड़े हुए हैं या श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उन सभी से बार बार हमारी निवेदन है कि कोविड से जुड़ी हुई सारी गाइडलाइंस का जो है पूर्ण पालन करें। मंदिर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार 150 पुलिस और 175 गृह रक्षक तैनात किए गए हैं। द्योटसिद्ध मंदिर परिसर और आसपास किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भी पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था के अलावा यातायात व्यवस्था का भी जिम्मा सौंपा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। मंदिर परिसर को 5 सेक्टर में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में अधिकारी के तौर पर नायब तहसीलदार को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आते हैं, आज मेला शुरू हुआ है, बाबा जी का दर्शन करके बड़ा आनंद मिलता है। यहाँ पे हर मनोकामना पूरी होती है बाबा जी के दर्शन करके। बहुत ही अच्छा माहौल है, बड़ा आनंद मिला जी हमें यहाँ पे दर्शन करके। मेले के शुभारंभ के बाद डीसी ने मंदिर परिसर में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। केवल दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन के लिए मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद भी रहेंगे। तो रख सा अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।